गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स से उनकी प्लस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एज रैशनल और इरैशनल। ये आपको पार्ट्स गिवन है उसमें, तो हमें ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर्स, जैसे रेशनल नंबर्स में आपका 2/3 आता है या खाली कोई इंटीजर है -4, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, वो भी एक रेशनल नंबर है। ओके, अगर कोई आपका डेसिमल है 2.6, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि 26/10 लिख सकती हूँ मैं इसको। नाउ मूविंग ऑन टू द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूट में कुछ भी दे दिया तो वो इरेशनल हो जाएगा। मान लो मुझे दिया हुआ है √25, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 5 है, एंड 5 इज इरेशनल नंबर क्योंकि 5/1 हो गया। अगर मुझे दिया हुआ है √36, ठीक है, तो 6 6 36 होता है, दिस इज ऑल्सो 6/1, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट अगर रूट के अंदर मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, आई एम गिवन -25 का रूट, तो ये आपका रियल नंबर ही नहीं है, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हमने नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग में किया था। दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, तो ये तो आपका रियल नंबर की कैटेगरी में ही नहीं आता, मतलब ये रैशनल और इरेशनल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपना रैशनल एंड इरेशनल की तरफ। एंड फर्स्ट पार्ट इज 2 - √5। 2 - √5 जो आपका दिया हुआ है, दिस इज रेशनल और इरेशनल। दिस इज अ, देखो √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो गई, इरेशनल। अब इसमें देखिए, अगर मैं इसकी ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो 3 + √23 - √23 ये आपका कैंसिल हो गया, तो आई एम गेटिंग 3। और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इंटीजर है ना ये, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये देखो देखने में √7 दिख रहा है आपको, तो आप हो सकता है कहें कि ये रैशनल है, बट ये दोनों पार्ट्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। √7 जो है न्यूमिरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे कैंसिल होने के बाद, 2/7 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1/√2। ये जो √2 है ये आपका इरेशनल होता है, सो ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज 2π। अभी हमने डिस्कस किया था पाई कैसा नंबर है, इरेशनल, तो 2 × something जो एक इरेशनल नंबर है, 2π भी क्या होगा, वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो द फर्स्ट पार्ट इज 3 + √3। क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट पार्ट 3 + √3 एंड 2 + √2, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, इसके फर्स्ट पार्ट को पूरी ब्रैकेट से, फिर इसके सेकेंड पार्ट को इस पूरी ब्रैकेट से। जैसे 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से, उसके बाद +√3 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट से, सेकेंड वाली। कितना लिखना आ गया, नाउ 3 × 2 = 6, 3 × √2 कितना होएगा, 3√2। ठीक है, नाउ 2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना आएगा, 2√3। ठीक है, नाउ √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 × 2 = कितना होता है, 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, √6। रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड यू आर गेटिंग √6। नाउ इसमें कोई सेम टर्म्स हो तो हम उनको प्लस माइनस कर लेंगे, ये 6 है, इंटीजर है, कोई और इंटीजर नहीं है इसमें, ये √2 वाली टर्म है और कोई √2 वाली टर्म नहीं है, √3 वाली टर्म है और कहीं भी नहीं है, दिस इज √6 और कहीं नहीं है √6 वाली टर्म, सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 3 + √3 एंड 3 - √3।
तो इसको जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया था ऐसे ही करेंगे। इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरी ब्रैकेट से, उसके बाद इस प्लस रूट 3 को आई एम मल्टीप्लाइंग विद द होल ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या आएगा 3 3 9। 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 3, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये माइनस है। एंड प्लस रूट 3 को 3 से करेंगे, देखो 3 को मल्टीप्लाई करना है रूट 3 से तो 3 रूट 3, फिर माइनस का साइन आ गया। रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा, अब इसमें देखिए रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 9 आ गया, 3 3 9। और तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या किया हमने, 3 3 9, 3 को रूट 3 से करेंगे 3 रूट 3, रूट 3 को 3 से किया अगेन 3 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है रूट 9, और उसकी वैल्यू क्या होती है 3, क्योंकि रूट 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है ना, आपको पता है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जा, पेयरिंग करेंगे तो 3 बार आ गया ना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया, 9 माइनस 3 6, ये देखो ये कैंसिल हो गया पूरा, तो दिस इज अवर आंसर। इसी को ना हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ये है हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी, आइडेंटिटी बन रही है, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने 8th क्लास में आइडेंटिटीज की थी। तो ये मेरा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, अगर मैं आइडेंटिटी ले रही हूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म मतलब 3 का स्क्वायर, दूसरी टर्म मतलब रूट 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होएगा, अभी हमने किया था ना रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आया था रूट 9 आया था, जिसकी वैल्यू क्या आई थी 3, तो ये 3 आ गया, 9 माइनस 3 कितना आ गया 6, तो सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप आइडेंटिटी लगा के कर लो, वैसे ये ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट 3। पार्ट 3 है a रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर को मैं दो बार लिख लिया इस ब्रैकेट को, होल स्क्वायर है ना, मतलब दो बार लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस रूट 5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर रूट 2 को फिर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 आएगा, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आया था 3, तो 5 5 जो 25 आ गया, रूट 5 इंटू रूट 5 25 आ गया, और इसको हम रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 2 जा 10, अंडर रूट में आ गया, ऐसे ही 5 2 जा 10 अंडर रूट, एंड रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2, रूट 2 इंटू रूट 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ गया, 5 और 2 7, अब ये 1 रूट 10 है तो कितना आ गया 2 रूट 10, तो दिस इज माई आंसर। इसको ना हम एक तरीके से और कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, कैसे करेंगे, देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने आइडेंटिटीज की थी ना, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, सॉरी, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये देखिए ये रूट 5 जो ये है ये a है, ये रूट 2 कितना है b, यहां मैं लिख रही हूं इसको रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू हो गई रूट 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई रूट 2, पुट करो फॉर्मूले में, तो रूट 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म। ठीक है, नाउ रूट 5 का स्क्वायर कितना होएगा 5, जैसे अभी हमने किया था 5 5 जा 25 होएगा ना, यहाँ पे रूट 25, तो रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा 5। सिमिलरली रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होएगा रूट 4, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख लेंगे 2। नाउ 2 एज इट इज, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना होएगा 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका 2 रूट 10, 5 एंड 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10, देखो हमारा दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप आइडेंटिटी लगा के कीजिए या इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4th, तो 4th क्वेश्चन है आपका, 4th पार्ट मतलब 5 माइनस रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2,
ये जो हमने रूट थ्री वाला पार्ट किया था ना, अभी सेकेंड पार्ट सेम इस तरीके से है, एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी और दिस इज a प्लस बी, तो इसकी आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a क्या है हमारा रूट फाइव और b क्या है हमारा रूट टू, तो रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। नाउ रूट फाइव का स्क्वायर क्या होएगा, फाइव, ठीक है, एंड रूट टू का स्क्वायर कितना होएगा, टू, तो फाइव माइनस टू कितना आ गया, थ्री, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन इज कि जो पाई है हमारा वो क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, तो ये जो है हमारा एक तरह से रेशनल नंबर होना चाहिए, पाई की वैल्यू आप 22/7 भी तो लिखते हैं, और पाई होता क्या है, सी बाय डी होता है, ठीक है, तो इसने कहा है कि ये हमारा एक तरह से रेशनल नंबर होना चाहिए, बट यू से दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ये हमें जस्ट एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकली लिखना है। तो अब ये देखिए, जो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये कहां से आया था, ये है अगर मैं पाई को यहीं पे रख के सी बाय टू आर लिखती हूँ दैट इज पाई, तो सी बाय डी इज पाई। पाई की इन्वेंशन कहां से हुई थी, कि कोई भी हमारा सर्कल है हम किसी भी रेडियस का सर्कल ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसका रेडियस हो, चाहे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना भी, उसका हम सर्कमफ्रेंस निकालें, तो सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर का जो रेशियो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 3.14 के बराबर आता है, तो वो जो हमारी 3.14 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है उसको हमने पाई का नाम रख लिया था, वहां से हमारे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आया था 2πr, ठीक है। तो हमें इसमें लिखना क्या है बेसिकली, कि पाई जो होता है वो सी बाय डी होता है, ठीक है, बट ये जो रेशियो होती है ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशनल नंबर नहीं होएगा पाई, क्यों नहीं होएगा, क्योंकि ये जो सर्कमफ्रेंस है और ये जो डायमीटर है ये हम अपने स्केल से नापते हैं ना, मेजरिंग टेप से या स्केल से या कैसे भी, और जो हम मेजर करते हैं वो सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, आप उसको नियरेस्ट सेंटीमीटर नियरेस्ट मिलीमीटर तक नाप रहे हैं, बट बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है वो, उसके बाद भी उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन रह जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, इसीलिए ये जो पाई होती है 3.14 या 22/7 जो हम लेते हैं ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, एंड पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं नंबर लाइन वाला, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जस्ट मैं स्टार्टिंग करवा रही हूँ थोड़ी सी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो होता क्या है, अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, मतलब जो इरेशनल नंबर है वो हमारे डिनोमिनेटर में है, तो हम इस तरह से कभी भी आंसर को नहीं छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, कि जो हमारा ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे रूट टू से, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2/3 दिया हुआ है, अगर मैं इसे 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, इसको दोबारा कट कर लो 3 से, 2/3 ही रहा ना आंसर, तो 2/3 ही आएगा। तो अगर मैं इसको 5/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, अब इसको 5 से कट कर रही हूं तो आंसर तो 2/3 रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको रूट टू और रूट टू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और रूट टू से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आएगा, 1 into √2 रूट टू, और √2 into √2 कितना होएगा, √4, और आपको पता है कि √4 कितना होता है, 2। डिनोमिनेटर तो हमारा रेशनलाइज हो गया ना, एक सिंपल नंबर आ गया है, वो रेशनल नंबर आ गया है, इंटीजर आ गया, तो ये हमारा होता है स्टेप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से हमें रूट की वैल्यूज को हटाना होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को रिमूव करना होता है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। दैट्स ऑल फॉर द डे।